हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मुजीद्रा आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन वाइट की ओर से एक लाइन बताऊंगा, ओपनिंग सिसिलियन डिफेंस अगेंस्ट, हाउ टू प्ले सिसिलियन डिफेंस। बहुत ही लोगों का क्वेश्चन है कि सिसिलियन डिफेंस के सामने हम इक्वालिटी नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको दो गैम्बिट लाइन एक ही वीडियो में आज बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन डिफेंस। सिसिलियन डिफेंस बहुत ही वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है, तो चले शुरू करते हैं। पहली गैम्बिट, दोनों गैम्बिट एक्सेप्टेड के बारे में बताऊंगा और डिक्लाइन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो आपको दिखा दिए है। ई फोर सी फाइव, यहाँ पे नेचुरल मूव है नाइट एफ थ्री, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा बी फोर। पहली ये गैम्बिट है बी फोर, दूसरी गैम्बिट हम देखेंगे मोरा गैम्बिट में। तो ये भी एक फेमस लाइन है, बी फोर में आफ्टर सी टेक्स बी फोर वन माउंट पॉन देना है ए थ्री, आफ्टर बी टेक्स ए थ्री और यहां आपको कैप्चर करना है बिशप टू ए थ्री। अब देखिए बिशप आपका जो एफ एट तक एक्स्ट्रा अटैक कर रहा है, तो पूरा डायगोनल आपके कंट्रोल में है, सिर्फ एक पॉन सेक्रीफाइस में डेवलप आपका बिशप हो चुका है, रुक की ए फाइल पूरी खुल चुकी है, नाइट भी आपका तुरंत बाहर आने वाला है, लाइट स्क्वायर भी सब भी ओपन है। तो ये पोजीशन स्टार्टिंग में बहुत ही जबरदस्त है। बिशप टेक्स ए थ्री के बाद नाइट सी सिक्स, ये नेचुरल मूव है और बहुत ही डेटाबेस में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली मूव है ब्लैक की ओर से। तो नाइट सी सिक्स के बाद आपको रिप्लाई देना है डी फोर। अब आप देख सकते हो कि पूरा सेंटर आपके कंट्रोल में है, ये पूरी लाइन, तो यहां से पूरा कंट्रोल आप में स्टार्टिंग में है। डी फोर के बाद ब्लैक ट्राई करेगा ई सिक्स, अगर ई सिक्स नहीं किया तो नेक्स्ट थ्रेट आपकी डी फाइव भी है, तो यहाँ पे ई सिक्स जरूरी है। यहाँ पे ई सिक्स करने के बाद तुरंत आपको बिशप टेक्स एफ एट कर देना है। अब किंग टेक्स एफ एट फोर्स है और इसी वजह से ब्लैक अपना कैसलिंग ओपनिंग में ही खो चुकता है, मतलब अब ब्लैक कैसलिंग नहीं कर पाएगा, उसका भी आपको एक बेनिफिट है, एक पॉन आप डाउन है, लेकिन कंपेंसेशन में आपके सारे पीसेस एक्टिव है, सेंटर आपके पास में है और ब्लैक का जो कैसलिंग ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे व्हाइट क्या कर सकता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से सी थ्री है। अब सी थ्री और आइडिया बिहाइंड दिस मूव देन ई फाइव, पूरी पॉन चेन आपकी बहुत जबरदस्त बनने वाली है। तो सी थ्री के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा डी फाइव, नेचुरल है कि आपका सेंटर ब्रेक करने का ट्राई है, यहाँ पे आपको ई फाइव कर देना है। अब ब्लैक का नाइट जी ई सेवन, ये भी नेचुरल मूव है क्योंकि नाइट डेवलप करने का यही बेस्ट ऑप्शन है। तो एन जी ई सेवन के सामने आपको खेलना है बिशप टू डी थ्री, आफ्टर जी सिक्स, जी सिक्स भी जरूरी है क्योंकि किंग को स्पेस भी मिलना चाहिए तभी आपका रूक ओपन होगा, तो ये भी नेचुरल मूव है। अब मैं आपको ब्लास्ट वाला मूव बताऊंगा एच फोर, एच फोर यानी देखो आप क्वीन, आपका रूक, बिशप सभी किंग की ओर बैठे हुए हैं, किंग कैसलिंग नहीं कर पा रहा है, किंग हिल चुका है और एच फाइव नेक्स्ट जबरदस्त थ्रेट आने वाली, उसे स्टॉप करने का एक ही ऑप्शन है एच फाइव। एच फाइव के बाद नाइट एफ थ्री, फिर आपको एक बढ़िया स्क्वायर मिल गया नाइट टू जी फाइव का, तो ब्लैक खेलेगा किंग जी सेवन और अपने रूक को फ्री करेगा, तो यहाँ पे आपको नाइट जी फाइव बैठा देना है। ये एफ सिक्स नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पॉन टेक्स पॉन करने के बाद एफ फोर करके आपका नाइट जबरदस्त सेट हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई दे सकता है नाइट टू एफ फाइव, तो नाइट एफ फाइव में सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट ब्लैक का यही है, तो इसे मारने के लिए सिंपल बिशप टेक्स एफ फाइव। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका सेंटर ब्रेक हो जाए, तो डी पॉन से कभी नहीं मारेगा, वो मारेगा जी पॉन से, तो जी टेक्स एफ फाइव और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके पास कितने जबरदस्त प्लानिंग नेक्स्ट हो सकते हैं, देन यू कैन प्ले टू रुक टू एच थ्री देन रुक टू जी थ्री। तो ये गैम्बिट लाइन बहुत ही मजेदार है, आप गेम खेल के इसको ट्राई कीजिए। अब मैं दिखाऊंगा आपको मोरा गैम्बिट की ट्रैक, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं मोरा गैम्बिट, जो मेरी बहुत ही फेवरेट ओपनिंग है व्हाइट की ओर से, मैं बहुत गेम खेलता हूँ मोरा गैम्बिट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इतना बढ़िया होता है ई फोर सी फाइव और यहाँ डी फोर, सेकंड मूव डी फोर और एक्सेप्टेड सी टेक्स डी फोर, ज्यादातर एक्सेप्ट करते हैं लोगों, डिक्लाइन में व्हाइट को कोई परेशानी नहीं है। सी थ्री
उसके बाद डी टेक सी थ्री, देन नाइट टेक सी थ्री। अब आप एक ही पॉन डाउन है, ज्यादा पॉन डाउन नहीं है, लेकिन आपके नाइट डेवलप हो चुका है, बिशप का डायगोनल ओपन हो चुका है, क्वीन की फाइल ओपन हो चुकी है, ये बिशप का डायगोनल भी ओपन हो चुका है, बहुत सारा एडवांटेज है सिर्फ दो ही मूव में। तो नाइट सी थ्री के बाद जो बेस्ट मूव है नाइट सी सिक्स, क्योंकि ई फाइव को पहले कंट्रोल करना पड़ता है और उसी के सामने रिप्लाई में देना है नाइट एफ थ्री, नाइट एफ थ्री, उसके बाद ब्लैक खेलता है डी सिक्स और यहाँ पे बिशप टू सी फोर। ये पूरी मोरा गैम्बिट की स्ट्रक्चर की मूव है सारी। तो बी सी फोर के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा ई सिक्स, क्योंकि एफ सेवन पे कोई नहीं चाहेगा कि इनडायरेक्टली अटैक आ जाए। तो ई सिक्स के बाद सिंपल कर लेना है कैसलिंग। अब यहाँ पे ब्लैक खेलता है नाइट एफ सिक्स और यहाँ आपको खेलना है क्वीन टू ई टू। ब्लैक खेलेगा ए सिक्स, सपोज खेल लिया, नॉर्मली तो क्वीन सी सेवन खेला जाता है लेकिन कई बार ए सिक्स भी खेले जाते हैं। तो ए सिक्स में आपको सिंपल रुक टू डी वन करना है और यहाँ मूव ऑर्डर बदल के ब्लैक क्वीन सी सेवन कर सकता है। कई बार पहले क्वीन सी सेवन और उसके बाद ए सिक्स आता है, इसमें कोई चेंजिंग ज्यादा नहीं है। तो क्वीन सी सेवन के बाद बिशप टू एफ फोर, यहाँ पे स्पॉन पे प्रेशर बनाना है। बिशप एफ फोर में नेचुरल मूव है नाइट टू ई फाइव, नाइट ई फाइव और सिंपल बिशप को बी थ्री पे ले लीजिए। अगर नाइट टेक्स एफ थ्री करता है तो आप व्हाइट की गेम और भी इसमें पावरफुल रहती है दोस्तों, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बिशप बी थ्री, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप टू ई सेवन और यहाँ पे रुक टू सी वन। अब आपको ये पोजीशन कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि रुक सी फाइल पे एक्स्ट्रा अटैक है, पूरी फाइल ओपन है रुक के लिए और दूसरा रुक आपका हाफ ओपन फाइल में है और वो भी डी सिक्स पे टारगेट बनाए बैठा है। जब आपका रुक ए सी वन आता है तो ब्लैक क्या रिप्लाई दे सकता है, तो क्यू बी एट। ज्यादातर लोग क्यू बी एट करते हैं क्योंकि डी सिक्स पे नजर रखे बैठे हैं। तो क्यू बी एट के बाद यहां पे एक ब्रिलियंट मूव है नाइट टू डी फोर, सेंट्रलाइज करना है नाइट को। ब्लैक करेगा कैसलिंग, अगर कैसलिंग किया तो यहां पे बिशप टू जी थ्री, आइडिया बिहाइंड दिस मूव नाउ एफ फोर एंड देन ई फाइव और एफ फाइव भी कर सकते हो, अटैक करना है आपको किंग की साइड। आपने एक पॉन दिया है तो अटैक कभी भी मिस नहीं करना है। तो बिशप बी थ्री के रिप्लाई में एन ई डी सेवन, हो सकता है ब्लैक नाइट डी सेवन करे तो यहाँ पे एफ फोर, क्योंकि उसको पता चलता है कि अगर एफ फोर आने वाला है तो पहले से नाइट हटा लेता है, फिर भी आपको एफ फोर करना है। ई फाइव अगर ब्रेक लेना चाहता है ब्लैक तो ये यहाँ पे एक ब्लंडर है। वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए आपको कौन सा बेस्ट मूव मिलता है। मैं सजेशन करूंगा नाइट टू एफ फाइव। अब बिशप पे थ्रेट है तो बिशप बचाने का एक ही ऑप्शन है रुक टू ई एट, क्योंकि बिशप अगर डी एट गया तो नाइट टेक्स, पॉन की भी थ्रेट है, पॉन टेक्स पॉन भी है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो रुक ई एट है। तुरंत आप नाइट टेक्स पॉन नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। अब रुक ई एट के बाद आपको रिप्लाई देना है क्वीन टू सी फोर, एफ सेवन पे टारगेट। अब इसे बचाने के लिए डी फाइव, ये पुअर मूव हो जाएगी, क्योंकि अगर रुक एफ एट किया तो सिंपल नाइट टेक्स बिशप हो रहा है, तो डी फाइव इज ओनली ऑप्शन। डी फाइव के बाद नाइट टेक्स डी फाइव, अब जो आपने पॉन सेक्रीफाइस किया था वो पॉन आपको वापस मिल गया है। बिशप टू सी फाइव, क्योंकि बिशप पे दो अटैक आ गया है तो चेक दे सकता है आपको, सिंपल किंग एच वन करना है। और रुक टू ई सिक्स, ये एक ऑप्शन है ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एक्सरे अटैक अभी भी यहां पे है। रुक ई सिक्स के बाद यहां पे आप वीडियो पोस्ट करके मूव सोचिए दोस्तों, बहुत ही टैक्टिकल ओपनिंग है, बहुत ही जबरदस्त। चलिए मैं बताता हूं, ब्रिलियंट मूव है क्वीन टेक सी फाइव, आप पूरा एनालिसिस कर लीजिए। क्वीन टेक सी फाइव, अगर नाइट टेक सी फाइव किया तो यहां पे नाइट टेक्स एफ सिक्स चेक,
और फोर्स मेट आती है। अगर पॉन टेक्स एफ सिक्स किया तो रुक टू डी एट चेकमेट, आफ्टर रुक इंटरपोल रुक टेक्स रुक चेकमेट। तो दोस्तों बहुत ही ब्रिलियंट, नाइट सी फाइव के बदले, देखो नाइट टेक्स सी फाइव नहीं हो सकता, आपने क्वीन टेक्स सी फाइव किया है तो नाइट टेक्स सी फाइव के बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फोर्स चेकमेट हो रही है, किंग चाहे मूव करे तो भी मेट है या पॉन टेक्स नाइट मारे तो भी मेट है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नाइट टेक्स ई फाइव कैसा रहता है। नाइट ई फाइव में फिर से रुक टेक्स ई फाइव, वंस अगेन आफ्टर नाइट टेक्स ई फाइव आप देख सकते हो बैक रैंक मेट है। तो रुक ई फाइव के बाद हो सकता है ई क्रॉस एफ फोर करें और यहां पे नाइट ई सेवन चेक। तो दोस्तों ये जबरदस्त लाइन है, और भी मैं बताता हूं इसमें, नाइट ई फाइव ई एफ फोर के बदले अगर ब्लैक इस पोजीशन में ना तो नाइट टेक्स ई फाइव करता है तो ई एफ फोर भी नहीं कर सकता है, तो एक और ऑप्शन है एच सिक्स अगर किंग को बाहर निकलने की स्पेस बनाता है तब भी नाइट ई सेवन चेक आफ्टर किंग एच सेवन क्वीन टेक्स सी एट, क्वीन टेक्स सी एट आफ्टर रूक टेक्स ई सेवन क्वीन टेक्स बी एट रूक टेक्स बी एट एंड रूक टू सी सेवन। और आप देख सकते हो कि सिंपल व्हाइट एक पीस अप हो गया है और ये नाइट पिन भी है, नाइट पे भी प्रेशर है और रुक से बचाने का ट्राई थोड़ा कर सकते हैं लेकिन बाद में गेम तो कंप्लीटली व्हाइट के हाथ में। दोस्तों ब्रिलियंट मुरा गैम्बिट की ये ओपनिंग है, इसे गेम खेल के ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा। दोनों ट्रैप आज मैंने जो बताई है सिसिलियन अगेंस्ट आप दोनों तरीके से खेल सकते हो, बी फोर वाली ट्रैप भी ओपनिंग जो गैम्बिट लाइन है वो खेल सकते हो और मुरा गैम्बिट तो एब्सोल्यूट बेस्ट है, आपको वो भी खेलना चाहिए। तो जिसमें आपको मतलब ज्यादा फायदा लगता है, जो जल्दी समझ में आती है लाइन वो आप तैयार कर लीजिए और फिर ऑनलाइन गेम में उसका ट्राई कीजिए, टूर्नामेंट में भी खेल सकते हो दोस्तों, पहले उसके लिए कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। जल्द ही मिलेंगे नई ओपनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।